दूल्हा दुल्हन कमरे में कैद, वीडियो। शादी समारोह के बीच पटाखे चलाने को लेकर विवाद, जमकर चले लाठी डंडे और पत्थर, कई घायल। देर रात शादी समारोह स्थल के बाहर पटाखे चलाने को लेकर दो पक्षों में विवाद खड़ा हो गया। इसके बाद खूब हंगामा हुआ, दोनों तरफ से लाठी डंडे चले, इतना ही नहीं पत्थर भी चलाए गए, जिसमें कई लोग घायल हुए हैं। इस पूरे घटनाक्रम के कुछ वीडियो भी सामने आए हैं। एक वीडियो में हमले के डर से कमरे में दूल्हा दुल्हन भी कमरे में कैद नजर आए। तनाव के बाद समारोह स्थल के बाहर पुलिस बल तैनात किया गया। घायलों को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। मॉडल टाउन थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। दुकानदार पर पत्थर बरसा, घायल किया। मॉडल टाउन थाना प्रभारी कृष्ण कुमार के मुताबिक, शहर के कोंसीवास रोड पर किसान वाटिका में शुक्रवार की रात शादी समारोह चल रहा था। शादी समारोह में शामिल होने आए कुछ लोग समारोह स्थल के बाहर पटाखे चला रहे थे। समारोह स्थल के ठीक सामने सैनी जूस कान एंड कन्फेक्शनरी खुली हुई है। इसके मालिक के साथ पटाखे चलाने वाले युवकों का विवाद हुआ। रात करीब 10:30 बजे एक पक्ष ने दुकानदार मनीलाल और उसके चाचा हुकम पर पत्थर बरसा दिए, जिसमें दोनों को काफी चोटें आई। दोनों समारोह स्थल के पास ही सरस्वती विहार के रहने वाले हैं। लाठी डंडे लेकर समारोह स्थल के भीतर घुसे। जैसे ही इसकी सूचना उनके परिवार व अन्य लोगों को पता चला तो काफी लोग मौके पर पहुंच गए। आरोप है कि दूसरे पक्ष ने समारोह स्थल के भीतर घुसकर शादी में शामिल कुछ लोगों पर लाठी डंडों से हमला किया। लाठी डंडों से लैस होकर पहुंचे युवकों के समारोह स्थल के भीतर घुसने के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। घटनाक्रम के वायरल हुए वीडियो में साफ दिखाई दिया कि लोग अपनी बचाने के लिए कमरों के अंदर भागते हुए दिखे। एक वीडियो में कमरे के अंदर दूल्हा और दुल्हन भी कैद दिखाई दिए। हमलावरों के डर से परिवार ने हुकम जी, रात को जो ये लड़ाई झगड़ा हुआ है, क्या पूरा मामला है? ये पटाखे जला रहे थे, उनको मना कर रहे थे। अच्छा, फिर उन्होंने मना कर कहने का आग जा रही थी दुकान में, तो पानी गया थे, तो उसका ये सारे एकदम। कितने लोग थे मारने वाले? 20-25 बराती थे सारे। पूरे बराती थे? आधा तो कहता हूँ पुलिस में यही चला हूँ दुकान। अच्छा, कहाँ का मामला ये? किसानों का ठीक है। कितने आदमी को चोट लगी तुम्हारे? दो तो एडमिट है और लगी है थोड़ी थोड़ी हो गई। मुनीलाल, जो रात को लड़ाई झगड़ा हुआ, क्या पूरा मामला है? दुकान के पास पटाखे जला रहे, मैं बोला थोड़ा सा आगे जला लो या पीछे जला लो। बोला ये तो ही जलेगा। मैं बोला 112 पे कॉल करूँ, मैं अभी मुझको बुला ले के करेगी 112, हम खुद पुलिस वाले 112 है। फिर पूछ नहीं भाई, फिर जबरदस्ती उन्हें चला दी। मैंने चलने दो, वो चलने लगा, छूट छूट के दुकान के अंदर सारे पटाखे जा रहे थे। मैं वो मशीन धो रहा था, मैंने पानी घेर दिया, और जैसे ही पानी घेर घूमा ऐसे ही सारे सिर के ऊपर थप्पड़ घुसो से मारा बुरी तरह, मैं वहीं गिर गया। उसके बाद नहीं पता क्या हुआ। मैं कोई हथियार वगैरह भी थे? हथियार वगैरह भी थे कोई? हाँ तो नहीं, हाथ गुस्से थप्पड़ से सारे ने एकदम से मारे। जो बराती वो दूल्हे के साथ थे ना सारे, कोट पैंट बराती, वो उन्होंने। कहाँ का मामला है ये? मैं तो अपनी दुकान पे था, मेरी दुकान के साथ। मैं बोलो यार थोड़ी सी आगे जगा लो भाई। दुकान कहाँ है आप? दुकान किसान वाटिका के बिल्कुल सामने ही हुई। बरात किसान वाटिका में आई थी? हाँ। पुलिस को कम्प्लेंट कर दी? मेरे को नहीं पता, मेरे को तो होश ही नहीं था, ठाके लाया गाड़ी में गिर गए। अब पुलिस आई है कोई? अब कोई नहीं, रात को ही आई थी।